आज हो तो इस चीज़ में हम लोग दिखा रहे हैं कुछ फूड से भी थोड़ा डिफरेंट कुछ, एंड हर बार फूड दिखाते हैं लोग बोलते हैं तो फूड से अटकल होते हैं, इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट दिखाओ। हमने आपको एक बार प्रॉपर एक्सपीरियंस दिखाया था, आज थोड़ा महकदार एक्सपीरियंस आपको दिखाते हैं परफ्यूम का। परफ्यूम भी वो भी देसी जिसे इत्र कहते हैं, तो इत्र आपको दिखाता हूँ सबसे महंगा, मतलब ये 10 ml कुछ 18,000 रुपये का, अगर हम इसकी 60 ml की बॉटल लें तो 108,000 रुपये का। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अरिहंत परफ्यूम्स पे जाके कि क्या क्या वैरायटी सेल करते हैं, और चिंता मत करो बहुत महंगा भी नहीं है इनके, कुछ 200 रुपये से रेंज चालू होती है, तो आपको दिखा दो सबसे महंगा भी और बेसिक भी जो आप ले सकते हो वहाँ से। चलिए चलते हैं। इनका नाम भी अरिहंत है, शॉप इनके नाम से ही है। तो मैंने सुना आप 9 साल की उम्र से मिक्सिंग कर रहे हो, मतलब परफ्यूम मिक्सिंग, मतलब ऐसी वाली मिक्सिंग, एक्सपेरिमेंटेशन। तो मतलब 9 साल की एज से डेडिकेटेड है परफ्यूम्स को, इत्र को लेके, एंड हम काफ़ी तारीफ सुनी आपकी शॉप की, तो कुछ बेसिक चीज़ें दिखाओ। इनके पास ना जो पद्मावती में जो परफ्यूम होता है जन्नत फिरदौस, ये है जन्नत फिरदौस जो पद्मावती का परफ्यूम है, जो इसकी तारीफ रणवीर सिंह करते हैं। तो ये कैसे लगाते हैं, वो काका लगा सकते हैं इसे? इसको आप पल्स पॉइंट्स पे लगाइए अपने, अच्छा, अपने ईयर लोब्स के नीचे, अच्छा, पे नेक की पल्सेस होती हैं ऑन योर कॉलर्स, ओके, और जब ज्यादा तेज गर्मी हो तो ये अंडरआर्म जहाँ पे स्वेट ज्यादा। तो पल्स का क्या सीन है, मतलब पल्स पे को नसों पे को लगाते हैं? पल्स का सीन ये है कि उससे पूरे एरिया में आपका इफेक्ट पड़ता है, जब आप हाथ वगैरह हिलाते हैं तो आपको भी अरोमा आता है, और उस मूवमेंट से आसपास वालों के लिए भी अरोमा फैलता जाता है। तो ये जो फ्रेग्रेंस हम बात कर रहे थे जन्नत फिरदौस की, काफी अच्छा है। ये क्या रुपए, दिस अराउंड 200 रुपीज, 200 रुपीज फॉर 10। दैट्स वेरी नाइस। मतलब इसमें क्या मिक्सर है, मतलब हम क्या स्मेल कर रहे हैं इसमें? इसके अंदर बेसिकली लेमन ग्रास का मिक्सचर होता है, मस्क होता है, थोड़ा सा खस डाला जाता है मिठास के लिए, ओके, बाकी जो इसकी फ्रेशनेस आती है वो लेमन ग्रास की घासों से, और या फिर थोड़ा सा इसमें कश्मीरी घास होती है उसका भी मिक्सचर होता है। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो अब हम देखते हैं और कुछ बताओ, और क्या क्या रेंज है आपके पास, कैसे कैसे परफ्यूम है आपके पास? आपको थोड़े वेस्टर्न टोन में भी मिल जाएंगे। वेस्टर्न टोन में भी, जैसे डेविड ऑफ का कूल वाटर आता है। अच्छा अच्छा, मतलब डेविड ऑफ का कूल वाटर जो आता है सिमिलर। मैंने डेविड ऑफ कूल वाटर यूज कर रखा है, लगभग सिमिलर है। आई थिंक ये काफी रीजनेबल है, मतलब अगर डेविड ऑफ को मैं लेने जाऊँ तो कुछ 1200-1300 रुपए की बॉटल है स्टार्टिंग रेंज। यस, इनकी 1200, और ये मेरे ख्याल से 200 रुपए में उतना ही चलता जितना वो चलता है। 4 to 5 months एक सिंगल बॉटल, डिपेंड ऑन योर यूसेज कि आप कितना यूसेज करते हैं। ये कौन सा है? ये एक ऑब्सेशन है, एक फ्रेशर टोन में है। वाओ, लेमन और मस्क का मिक्स है इसके अंदर। तो एक चीज आपको बताओ, ये मुझे इन्होंने बताया कि इनकी ना लाइफ नहीं होती परफ्यूम्स, हाँ परफ्यूम्स जो होते हैं 2-3-4 साल बाद उनका जो वो अल्कोहल होता है उड़ जाता है, फ्रेग्रेंस का उड़ जाता है। इनमें ऑयल होते हैं एसेंशियल ऑयल्स, वो बता दो कैसे बनते हैं, मतलब हाउ डू यू मेक देम? ऑयल्स का डिस्टिलेशन होता है, ओके, जैसे आप
रोज का डिस्टिलेशन होंगे तो रोज के पेटल्स को डिस्टिलेट करोगे, लेमन की पील का डिस्टिलेशन होता है, राइट, उनसे ऑयल निकलता है, फिर उनको और वेजिटेबल ऑयल्स जैसे आलमंड ऑयल, ओके, वीट जर्म ऑयल, ओके, और इन वेरी हाई केसेस सैंडल प्योर सैंडलवुड ऑयल के अंदर आप मिक्स करके फिर आप बनाते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो कुछ डिफरेंस दिखाओ यहां। डिफरेंस मैं दिखाता हूं आपको। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सबको भी नहीं दिखाई जाती। अच्छा। ये प्योर रोज एसेंशियल ऑयल, आप देखो इन्होंने प्योर जैस्मिन एसेंशियल ऑयल, जो हर एक को नहीं दिखाते आप, हर एक को नहीं दिखाते, सिर्फ हमको और आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल प्योर गुलाब का एसेंशियल ऑयल है। कौन सा? ज्यादातर इसका यूज कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में आता है या फ्लेवर डिपार्टमेंट्स। ये कुछ चीजें ऐसी है जो इंडियन है एंड हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती है एंड काफ़ी एक्सपोर्ट होता है ये चीज़ का, तो हमें ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। इतनी शेयर करो कि बाहर के लोगों को पता लगे कि इंडिया में क्या खास बात है, क्या प्रोडक्ट है। हम मेक इन इंडिया या फिर इंडियन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो जो हमारे देसी प्रोडक्ट्स हैं ना, जो ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसको हमें इंकरेज करना चाहिए। हम अपना रोल कर रहे हैं, आप भी अपना रोल करो, शेयर दिस थिंग विद ऑल योर फ्रेंड्स, और देखते हैं कि 4,000 रुपये वाला इट्स वेरी नाइस। तो अगर हम बोले इससे भी महंगा कुछ है, कुछ 6-7 हज़ार कुछ से महंगा, इससे महंगे में फिर काफ़ी एक्सपेंसिव एक रेंज आती है, वो आती है आपकी अगरवुड में। इसमें अगरवुड में, अगरवुड, 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 व्हाट इज अगरवुड? अगरवुड मोस्ट कॉमनली नोन ऊद भी कहते हैं लोग। अच्छा, दूसरा लगाना एग्जांपल। अच्छा, तो हम जो अभी एक्सपेंसिव वाली बात कर रहे थे, ये कितने हैं एक्सपेंसिव? ये आपका 10 ml पड़ता है 18,000 rupees, 18,000 रुपये का। एंड कोई डिस्काउंट भी नहीं आ देता। डिस्काउंटिंग डार्क वेटर देखो क्या बोल रहा है, बार्गेन इज फ्यूटाइल। तो डिस्काउंट कुछ नहीं है, 18,000 का भी ले लो तो 18,000 का अगर मेगा से मैं 60 ml लूँगा तो 108,000 रुपये अराउंड दैट। अच्छा, ग्रेट। सो इसकी क्या खासियत आप बताइए? ये एक वुड में से निकलता है। ओके, आई टोल्ड यू कदीम वैरायटी इज मोस्टली इंडियन। ओके, एक सूफी वैरायटी जो कंबोडियन होती है। ओके, तो ये इस वुड में से निकलता है, तो जितनी सड़ती है इन अ मैटर ऑफ ईयर्स डिकेड्स, जितनी सड़ेगी वो लकड़ी उतनी प्रेशियस। तो आप हर एक को शोकेस करते हो? हर एक को नहीं, मोस्टली जो आते हैं इन चीज़ों को पूछने वाले, दे एक्चुअली नो कि वो चीज़ एक्चुअली ना, कोई आगे से मांगता है ये चीज़ तो आप दिखाते हो, और हाँ, वो भी हर एक को नहीं दिखाते, हर एक को नहीं। So expensive, मेरे ख्याल से अगर आप किसी को एक ड्रॉप भी देते हो तो वो एक ड्रॉप भी मेरे ख्याल से काफी महंगी पड़ती है। एक ड्रॉप भी देते हैं काफी महंगी पड़ती है, बट अगर मैं एक ड्रॉप यहाँ आपको लगा के दे दूंगा तो मेरी पूरी दुकान महक जाएगी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एक ड्रॉप में कितने एमएल जाता है? एक ड्रॉप में आपका अगर आप सपोजिटली 0.125 ml भी लेंगे तो उस अराउंड आपका इजीली 1,000-1,200 रुपये पर ml के हिसाब से पड़ता है। मतलब अगर मैं ये देख रहा हूँ कि 1,800 रुपये 1 ml है, और आप मान लो एक ml में 10 बार भी हम लगा लेते हैं तो 180 रुपये तो बस एक बंदे को दिखाने ही कॉस्टिंग है इसकी। 180 रुपये सिर्फ एक जने को दिखाने ही कॉस्टिंग है, उसमें हमारा पूरा पूरा एक परफ्यूम आ जाता है। हाँ, उतने में वो दिखा रहा है, उतने में ये चीज़ आ जाती है, पूरा जितने में कस्टमर को दिखाते हैं ना उतने में तो ये पूरा आ जाता है। तो हमें भी इसको ज़रा टेस्टिंग कर रहा हूँ, हम भी देखना चाहते हैं कि इससे महंगा तो नहीं आता ना पूरे इंडिया में? इंडिया में इससे महंगा आई डोंट थिंक सो कि होगा। अच्छा, द मोस्ट एक्सपेंसिव इत्र हम लोग अभी सूंघने जा रहे हैं, सबसे एक्सपेंसिव ऑन ओए तेरी सीरीज एक्सक्लूसिव आप लोगों के लिए, और कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये बस एक एमएल निकाले हो, मेरे ख्याल से पूरी दुकान पे इसकी फ्रेग्रेंस है। ये यूजली लोग मैंने जैसे इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ये इसको कापर कैसे लगाते हैं? ये बेसिकली एक बेस है परफ्यूमरी को देने के लिए, परफ्यूमरी को देने के लिए एक बेस है। अच्छा, आप इसके अंदर ऑल चीज, जैसे आप घर पे लाल मिर्ची खाते हैं, हाँ जी, पूरी डायरेक्टली नहीं खाएंगे जी, बट आप खाने में डाल के खाएंगे। जब परफ्यूमरी और बनती हैं और परफ्यूम्स बनते हैं तो उसके अंदर एज अ बेस डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1 liter ऑफ परफ्यूम्स के अंदर हार्डली 2 or 5 ml इसका जाया जाता है। तो जो पर्सनल यूज के ले जाते थे महंगे वाला, वो क्या कैसे लगाए इसको? वो इसको लगाते हैं
कई लोगों को इसकी स्मेल बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि स्टार्टिंग नोट भले ही इसका थोड़ा कड़क हो बट ये बाद में बहुत स्वीट हो जाता है. और बाकी इसको ले जाने वाली क्लाइंटेल एक अरेबिक या सऊदी अरेबिक मिडिल ईस्ट के लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको. ओके ओके, तो उनकी ये ज़्यादा अच्छी टोन है. इंडियंस आर मोर टूवर्ड द फ्रेश और द फ्लोरल साइड में जाते हैं. समझ गया. वेरी नाइस. इज वेरी स्ट्रॉन्ग. यस, सब कुछ हो गया यहाँ पे. और कुछ भी है क्या? एक और चीज़ है हमारे पास. ओके, आपकी पसंद के हिसाब से भी कस्टमाइजेशन हो जाए. अच्छा, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो. Is that possible? इतने सारे तो वैसे वैरायटी, और आप उसमें कस्टमाइज भी कर दोगे मेरे? बस आपका टेस्ट चाहिए. अच्छा, हमें अपनी चीज़ पता है, हम कस्टमाइज कर देंगे. तो आपको तो पता है मैं तो कस्टमाइज चीज़ों का बड़ा शौकीन हूँ, तो आज कुछ कस्टमाइज फ्रेग्रेंस बनवाते हैं. तो शुरू करते हैं, आप बताओ कैसे, हाउ द प्रोसेस विल स्टार्ट? सिंपलिंग है, मिक्सिंग ऑफ ऑयल्स रहता है. ओके, आप मुझे बताएंगे किस तरह की ऑयल्स आपको चाहिए. ओके, मैं वो मिक्स कर दूँगा. मुझे थोड़ा बहुत ना जैसी मैनली जो फ्रेग्रेंस होती है ना, मस्क वस्क, ये थोड़ा जैसी थोड़ा जैसी सी का स्मेल होती है, वैसी कुछ स्मेल चाहिए. मतलब सी की स्मेल में मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बना देता. अच्छा, सी हो, मैलनी हो, मतलब वो आंखें बंद करो तो ऐसा लगे कहीं आप फुकेट के बीच में हवा लहर आपके पास आ रही है ना, आप उसको सूंघ पा रहे हो. दैट्स अ फ्रेग्रेंस आई लाइक. कस्टमाइजेशन के पास भी पता लगेगी. तो डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमाइजेशन. आप चाहे तो 18,000 में 6,000 मिक्स करके, फिर 3,000 मिक्स करके सबसे महंगा भी ले सकते हो. लेकिन मैम मोस्टली आप ये देख रहे हो कि स्मेल वैसी सी ब्रीज जैसी विद और मैनली फ्लेवर. स्टार्टिंग में इन पे छोड़ दिया, एक बेस बनाना चाहूँगा. ये तो 9 साल की उम्र से ये सब कर रहे हैं, 19 साल एक्सपीरियंस है. तो आप देख सकते हो इनकी मेनली अट्रैक्टेड जो फॉरेन टूरिस्ट है वो भी आते हैं. एंड ये एक चीज़ है अपने साथ लोग ले जाते हैं कि ये इंडिया से लेके आए हैं, जो प्राउडली बोलते हैं दिस इज फ्रॉम इंडिया. तो इसमें यहाँ से इन्होंने वाइट मस्क डाला है. ये एक बर्गमोट रोज एब्सोल्यूट का मिक्सचर है. बर्गमोट वही है ना जो अर्ल ग्रे में भी जाता है? हाँ जी, सेम. देखा, फूडी हम लोग, हमें पता है कौन सी चाय में भी क्या जाता है. ये बर्गमोट भी सेम नहीं है, इटालियन बर्गमोट होता है. वाओ, फाइव परसेंट ऑफ मौसम. सो मिक्सचर ऑफ लिली, ट्यूलिप एंड वनीला. ओके, टू गिव इट अ स्वीटनेस. नाउ मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप ले जाते हैं तो उसको एट द लीस्ट 24 आवर्स ऑयल्स को मिक्स होने दीजिए. 24 आवर्स को मिक्स होने, इनको मिक्स होने दीजिए. अच्छा, उससे क्या होगा, ऑयल एक दूसरे से अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे. ओके, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. तो इसका फ्रेग्रेंस अभी मैं सूंघ सकता हूं क्या है? सूंघना है तो ये एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है. इसके बॉल नहीं आता? बॉल भी मिल जाएगा आपको. अच्छा, एक फ्रेश फ्रेग्रेंस है बट ओरिजिनली इतना स्टिक से लगाया जाता है. ओरिजिनली इनको स्टिक से लगाया जाता है. बट सही में ऐसा लग रहा है कि जिसके अंदर इट्स थोड़ी मैनली भी है. एंड इट फील्स एंड स्मेल्स लाइक सी ब्रीज. वाओ, आप तो, इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं. तो हम इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं. तो हम इसको नाम देंगे. तो आप सोचो, आप सी के पास खड़े हो और कर रहे हो तो दिस इज तो आप इसका एक सेव कर लो. अगर किसी ने आना हो ये सेम फ्रेग्रेंस लेने के लिए जो मैं ले रहा हूँ, तो आप ये ले सकते हो यहाँ से. एंड आप बोल सकते हो कि मुझे चाहिए. तो नेम दिस एज तो व्हाट इज़ द कॉस्ट, इसकी क्या कॉस्ट है 10 ml की? दिस इज अबाउट 32 ml. ओके, ये आपकी रेंज पड़ती है 800 की. अच्छा, इससे थोड़े और वर्जन आते हैं, कुछ 600, कुछ 800, 10 ml जो तो ये अगर कोई ले, अगर आपको पर्टिकुलर मैंने 10 ml दिया वो 300 की. तो 300 रुपये का आपको पड़ेगा छोटी बॉटल में. ये छोटी बॉटल है, ये 10 ml है? ये 32 ml. 32 ml है, तो 10 ml, ये 10 ml है. तो ये 10 ml का पड़ेगा इसमें. तो आपको 300 rupees पे कर सकते हो और आप भी अपने घर ले जा सकते हो, सुन सकते हो. आप इनको जितनी देर तक रखेंगे, जितनी देर इसको मिक्सचर होने रहेंगे, ये उतना ही बेटर बनता जाएगा. मतलब आप बोलोगे मैं 10 साल बाद यूज करूंगा तो उसका और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, ये और भी वैल्यूएबल होगा. अच्छा, तो दिस इज लाइक विस्की. हाँ,
जितनी पुरानी उतनी अच्छी, जितना पुराना उतना अच्छा। ग्रेट, तो वेरी वेल, हमने आज काफी नॉलेज बढ़ाई एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर फॉर दिस स्पेशल यू नो स्मेलिंग सेशन। हमें काफी सारे फ्रेग्रेंस सुनने को मिले। अगर आप भी कोई ऐसा कोई ब्रांड है आपका जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर यू सेल समथिंग वेरी लग्जरी, तो आप भी मुझे, मैं मेल आईडी नहीं छोड़ू, यू कैन इनवाइट मी, हम भी आपके पास आएंगे और दिखा सकते हैं कि व्हाट थिंग्स यू कैन बाय एंड व्हाट ऑल गुड थिंग्स कैन मनी कैन बाय इन ओए तेरी सीरीज। सो दिस इज योर होस्ट निखिल चावला, जय हिंद।